जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे सतत भिन्न। सतत भिन्न जैसे एक बटे एक माइनस एक बटे दो प्लस एक बटे तीन, इस तरह कोई भिन्न दिया हुआ, इस तरह कोई सवाल दिया हुआ, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहले इतना आप तो जान ही रहे हैं कि अगर इस तरह कोई सवाल था, इसको जोड़ना हमने बता दिया था कि क्या करेंगे, इसका इसका गुणा करेंगे, तीन अखने तीन और इसको जोड़ेंगे, तो तीन दो पांच बटे तीन, इतना हमने आपको बताया है इससे पिछले वाले वीडियो में। अगर नहीं जान रहे हैं तो पिछला वाला वीडियो देखें आप। दूसरा ये बताया था कि चाहे इसको तिरछा गुणा कर लें, या अगर संख्या यहाँ एक है, संख्या यहाँ एक है और इस तरह जोड़ने की बात कही जा रही है, तो क्या करेंगे आप, हर को लिख देंगे और अंश में इसको जोड़ देंगे, तीन दो पाँच बटे तीन। इसको करने के लिए एक चीज ये आपको आनी चाहिए। दूसरा ये कि ये मेन लाइन है और इसके नीचे अगर इस तरह लिखा हुआ है, ये क्या है, मेन लाइन है, 11000 लाइन, 11000 लाइन है। तो इसको इसको हल करने के लिए इसका क्या मतलब, ये चला जाएगा ऊपर, ये इस तरह बनेगा, मतलब एक बटे ये मेन लाइन, इसके नीचे अगर लिखा है दो बटे तीन, तो ये कहां चला जाएगा, हर इसका कहां चला जाएगा, ऊपर, मतलब तीन बटे दो। ठीक, मान लीजिए ऐसे लिखा है दो बटे ग्यारह बटे नौ, ये मेन लाइन है ये, तो अब क्या होगा, ये जाएगा ऊपर, तो बना ये दो गुणे नौ बटे ग्यारह, तो नौ दुनिया अट्ठारह बटे ग्यारह। इतनी चीजें अगर आपको आ रही तब आप इसको कर पाएंगे, वरना आप इसको कर नहीं पाएंगे। चलिए देख रहे हैं, इसको जोड़ने के लिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे से ही कोई क्रिया करेंगे। तो नीचे ये चीज, सबसे पहले हम इसको हल करें। इसको हल कैसे करेंगे, चलें देखें, तीन दुनी छः, छः में एक मिलाया सात, ये हो गया हमारा सात बटे तीन। अब सात बटे तीन, अब अभी आपको बताया कि ऐसे ये मेन लाइन है और ये ली, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये कहाँ पहुँच गया, ऊपर। इसको यहाँ से हम कहाँ ले जाएं, ऊपर, बना एक माइनस एक तिहा तीन बटे सात। अब फिर क्या करेंगे, इसका इसका गुणा फिर करें, सात एक अन्य सात, सात माइनस तीन बटे सात, सात में से तीन गया, इतना बचा चार, चार बटे सात, चार बटे सात, तो ये सात कहाँ गया, ऊपर, ये हो गया सात बटे चार। आंसर इसका कितना आया, सात बटे चार। अब दूसरा देखते हैं, दो बटे एक प्लस दो बटे एक प्लस चार बटे तीन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको नीचे से शुरू करेंगे। तो नीचे से शुरू करने का मतलब इसको इसको पहले जोड़ें, तीन कन्ने में तीन और चार, तीन कन्ने में तीन और चार, कितना हो गया सात, तो यह आया सात बटे तीन, तो ये तीन कहाँ जाएगा, ऊपर, तीन कहाँ गया, ऊपर, तीन गया ऊपर, तो ये दो से गुणा हुआ तीन, और नीचे कितना आया सात। अब ये हो गया छः, छः बटे सात, अब इसको जोड़े सात करने सात, तो छः तेरह, तेरह बटे सात, तो ये सात कहाँ गया, ऊपर, सात दुनी चौदह, चौदह बटे तेरह। कितना आसान है इसको, सतत भिन्न को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम कहाँ शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करके और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए क्या करें, इसको इसको जोड़े, देखो सब जगह वन 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 दिया हुआ, यहाँ अलग भी संख्या आएगी, अभी इसके आगे हम आपको बताएंगे
इसको क्या करें, आपको बताया था कि अगर एक लिखा हो इस तरह करके तो क्या करेंगे, हर वैसे लिख देंगे और अंश को हर में जोड़ देंगे, पांच बटे तीन। तो ये हो गया हमारा पांच बटे तीन। अब ये उलट जाएगा, ये उलट जाएगा, ये कहाँ गया, ऊपर, मतलब यहां आपका आया, इतनी चीजें ये जुड़ के हो गई पांच बटे तीन, इसकी जगह पे आ गया पांच बटे तीन। अब ये कहां चला जाएगा, ऊपर, तीन कहां चला जाएगा, ऊपर, तो यहां हो गया तीन और नीचे रह गया पांच। अब इसको फिर से जोड़े, तो एक वाला जोड़ आपको बताया कि नीचे लिखेंगे पांच और ऊपर क्या करेंगे, इस पांच को जोड़ देंगे, तो ये आपका हो गया आठ, आठ बटे पांच। ये कहां चला गया, ऊपर, पांच कहां चला गया, ऊपर, और आठ कहां चलाया, नीचे। अब इसमें आपको बताया था, क्या बताया था, कि हर रहेगा नीचे और अंश में जोड़ देंगे, तो हर नीचे आठ है और ऊपर जोड़ दें, ये हो गया तेरह। अब ये ऊपर चला गया, आठ कहां चला गया, ऊपर, आठ बटे तेरह, आठ बटे तेरह। एक तो इस तरह इसको जोड़े आप, ये कॉन्सेप्ट है इसका, इसको जोड़ने का ये कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा देखें, दूसरा इसमें देखें ट्रिक, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक देखें हम इसमें ट्रिक कैसे यूज करेंगे। इस तरह दिया हुआ, अब क्या करें, सबसे पहले नीचे वाली भिन्न को देखें, जो सबसे नीचे हो, तो नीचे क्या लिखा है, दो बटे तीन, तो यहां लिखें दो और यहां लिखें तीन, यहां लिखें दो, यहां लिखें तीन, कितने चिन्ह हैं देखें, एक दो तीन, कितने साइन हैं, एक दो तीन, तो तीन अहम डिब्बा बना दें, क्या करें, तीन डिब्बा बना दें, कितने चिन्ह हैं, एक दो तीन, तीन डिब्बा बना दिया। अब देखें सब में एक एक है, प्लस एक ही साइन है, प्लस यहां प्लस यहां प्लस यहां, यहां एक ही एक है, एक एक एक, ठीक। अब क्या करेंगे, अगर इस तरह का हो तो इसको इसमें जोड़ दें, तो तीन दो पांच, इसको इसमें जोड़ दें, पांच तीन आठ, इसको इसमें जोड़ दें तेरह। देखिए इसको इसमें जोड़ा, तीन दो पांच यहां लिखा, इसको इसमें जोड़ा, पांच तीन आठ इसमें लिखा, इसको इसमें जोड़ा, आठ पांच तेरह इसको यहां लिखा। आंसर क्या, कैसे लिखेंगे आप, पहले वाला पहले लिखेंगे, बाद वाला बाद में लिखेंगे, कितना आ गया, आठ बटे तेरह, आठ बटे तेरह, उसमें कितना आ रहा है, उसमें भी आठ बटे तेरह ही आ रहा था। इसको हम तब यूज करेंगे जब सब में प्लस हो, एक ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, दूसरा क्या, यहाँ एक हो, यहाँ एक हो, यहाँ एक हो, तीसरा क्या, यहाँ एक हो और यहाँ एक हो, यहाँ एक हो और यहाँ एक हो। एक सवाल और देखते हैं, एक और करके देखते हैं। देखिए ये सतत भिन्न है, एक बटे एक प्लस एक, एक प्लस एक, एक प्लस एक, एक प्लस चार। तो क्या आपको बताया, सबसे पहले नीचे से शुरू करें, कहाँ शुरू करें, नीचे से, तो ये कितना बना, सात और सात चार ग्यारह, यहाँ आया ग्यारह, ये सात ऊपर चला गया, सात बटे ग्यारह, ग्यारह सात अट्ठारह, ऊपर चला आया आपका अट्ठारह बटे ग्यारह, ग्यारह अट्ठारह उनतीस, उनतीस बटे अट्ठारह, यहाँ चला गया ऊपर, इसको जोड़ा तो कितना आया, सैतालीस बटे उनतीस, ग्यारह अट्ठारह नौ आठ सत्रह दो तीन, हाँ सैतालीस बटे उनतीस, इस तरह किया। अब जो आपको ट्रिक बताई है उससे करके देखते हैं। ट्रिक में आपको क्या बताया कि जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला भिन्न दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे, चार लिखा सात लिखा,
कितने डिब्बे बनाएंगे, कितने डिब्बे बनाएंगे, जितने साइन होंगे, एक दो तीन चार, चार साइन है, चार डिब्बा बना दें। ठीक, चार साइन है, चार डिब्बा बना दें। इसको इसमें जोड़ दें, सात चार ग्यारह, इसको इसमें जोड़ें अट्ठारह, इसको इसमें जोड़ें उनतीस, इसको इसमें जोड़ें सैंतालीस। आंसर कैसे लिखेंगे, पहला वाला ऊपर, आखिरी वाला नीचे, उनतीस बटे सैंतालीस। ये आप तब यूज करेंगे, इस ट्रिक को हम तब यूज करेंगे जब सब में प्लस 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 हो, सब में एक 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 हो, सब में एक 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 हो। अगर ऐसा नहीं है तब हम इसको यूज नहीं करेंगे, वरना गलत हो जाएगा। दूसरा देखें, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस पांच बटे सात। चलें इसको करें और आंसर बताएं। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाली भिन्न लिखेंगे, पांच पहले लिखेंगे, सात बाद में लिखेंगे। कितने डिब्बे बनाएं, एक दो तीन चार, चार डिब्बे बनाएं, मिठाई का डिब्बा बनाएं, चार तीन चार, कितने डिब्बे बनाएं, चार, क्यों, चार साइन है, एक दो तीन चार। अब क्या करेंगे देखेंगे, सब में एक एक है, एक 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 एक, सब में एक एक एक, ठीक। इसको इसमें जोड़ें, सात को पांच मिलाएं, सात पांच बारह, इसको इसमें मिलाएं, बारह सात उन्नीस, इसको इसमें मिलाएं, उन्नीस बारह इकतीस, और इसको इसमें मिलाएं, उन्नीस इकतीस पचास, उन्नीस इकतीस पचास। आंसर कैसे लिखेंगे, पहले वाला को ऊपर लिख देंगे, ये पहला वाला, और आखिरी वाला कहाँ करेंगे, नीचे। आंसर क्या आपको मिल गया, इकतीस बटे पचास, इकतीस बटे पचास। अब तीसरी तरह देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। टाइप थ्री, एक तरह और देखते हैं, चलिए एक सवाल और देखते हैं। ये इसको इसको करें, कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे एक, फिर लिखेंगे नौ। कितने डिब्बे बनाएंगे, एक दो, नौ एक दस, दस नौ उन्नीस। आंसर कैसे लिखेंगे, दस बटे उन्नीस। पलक झपकते ही आप सतत भिन्न के आंसर को लिख देंगे। अगर ट्रिक आपको ये वाली आ रही, ये वाली ट्रिक आप तब अप्लाई करेंगे जब क्या क्या हो, इधर एक एक हो, दूसरी कंडीशन क्या है, यहां प्लस हो, तीसरी कंडीशन क्या है, जिस भिन्न को आप लिख रहे हैं उसको छोड़ के, नीचे वाले भिन्न को छोड़ के, मतलब इसको छोड़ के ऊपर जितना है वो कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, तभी आप इसको यूज करेंगे, अदरवाइज इसको यूज नहीं करेंगे। टाइप थ्री, टाइप थ्री देखें, इसको कैसे जोड़ेंगे, एक बटे दो प्लस तीन प्लस दो प्लस एक बटे दो, कैसे इसको जोड़ें, पहले वैसे कर जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे आप,
सबसे नीचे शुरू करेंगे, दो दुनी चार एक पांच, पांच बटे चार, पांच बटे चार, दो दुनी चार एक पांच, सॉरी पांच बटे दो, दो बना, ये दो कहां चला गया ऊपर, तो यहां हो गया आपका दो बटे पांच। पांच कैसे गुणा करें, पांच तीन पंद्रह, दो सत्रह, सत्रह बटे पांच, सत्रह बटे पांच, तो ये बना हमारा सत्रह बटे पांच। इसको जोड़ा हमने, पांच कहां चला गया ऊपर, पांच कहां चला गया ऊपर, तो ये बना आपका पांच बटे सत्रह। सत्रह दुना चौंतीस, चौंतीस और पांच उनतालीस, उनतालीस बटे सत्रह, उनतालीस बटे सत्रह, सत्रह कहां गया ऊपर, आंसर कितना मिला सत्रह बटे उनतालीस, आंसर कितना मिला सत्रह बटे उनतालीस। कहां शुरू करेंगे हम, सबसे नीचे से, तो सबसे नीचे से ही हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। कितना आया सत्रह बटे उनतालीस। अब ट्रिक से कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाली भिन्न लिखेंगे, नीचे वाली भिन्न कितनी है एक बटे दो, एक को पहले लिखेंगे दो को बाद में लिखेंगे। कितने सिंबल हैं, एक दो तीन, तीन लाइन खींच दीजिए या तीन डिब्बा बना दीजिए, तीन लाइन खींच दीजिए या तीन डिब्बा बना दीजिए, यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे, जो इस प्लस के पहले लिखा हुआ है इसको यहां से शुरू करेंगे, प्लस दो, फिर क्या लिखा प्लस तीन, फिर क्या लिखा प्लस दो, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक। अब क्या करेंगे, इसका इससे गुणा करें, दो दुनी चार और चार में एक मिलाएं, दो दुनी चार, चार में एक मिलाएं, कितना लिख हो गया पांच, पांच को हम यहां लिखेंगे, दो दुनी चार और एक पांच, पांच को क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे। अब इस पांच का इससे गुणा करें, पांच तीन पंद्रह, पंद्रह और दो सत्रह, सत्रह यहां लिखेंगे। अब इसका गुणा इससे करेंगे, सत्रह दुना चौंतीस, चौंतीस सत्रह दुना चौंतीस, चौंतीस और पांच उनतालीस, यहां तक ठीक। कैसे इसको हमने लिखा, दो दुनी चार और एक पांच, पांच तीन पंद्रह और दो सत्रह, सत्रह दुना चौंतीस और पांच उनतालीस। आंसर कैसे लिखेंगे, पहले बटा आखिरी, या आप ऐसे कह लें, लाइन खींचें सबसे पहले आखिरी वाला लिखें और ऊपर लिखें इससे पहले वाला, सत्रह बटे उनतालीस। देखिए दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर सेम है। किया क्या इसमें हमने, वही जैसे पिछले वाले में किया, एक बटे दो लिखा, एक एक पहले दो बाद में, फिर इस प्लस के पहले जो लिखा हुआ है उसको इसके ऊपर लिख दिया, इसके ऊपर लिख दिया, इसके ऊपर लिख दिया, कितने लाइन हमने खींचे, जितने सिंबल हैं, एक दो तीन, एक दो तीन। आप क्या किया, इसका इससे गुणा किया, दो दुनी चार जोड़ा पांच, पांच तीन पंद्रह दो सत्रह, सत्रह दुना चौंतीस पांच उनतालीस, ठीक, सत्रह दुना चौंतीस पांच उनतालीस, आंसर आपका आ गया। अब इस सवाल को देखते हैं, क्या बताया था आपको कि सब अब इस सवाल को हम देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले लास्ट वाली भिन्न को पहले लिखते हैं, दो बटे तीन लिखा, दो पहले लिख दिया, तीन बाद में लिखा, ठीक। कितनी लाइनें खींचेंगे, एक दो तीन, क्यों तीन सिंबल है, एक दो तीन, तीन, ठीक। नीचे वाले क्या लिखा है, चार प्लस, तो इसको लिख देंगे प्लस फोर, फिर क्या लिखा है टू प्लस, टू प्लस लिख देंगे, फिर थ्री के बाद कौन सा है, तो यहां लिख देंगे थ्री प्लस, ठीक। अब क्या करेंगे, तीन चौक बारह, तीन चौक बारह, बारह दो चौदह,
चौदह दूना अट्ठाईस, अट्ठाईस और तीन इकतीस, इकतीस तिया तिरानबे, इकतीस तिया तिरानबे, तो तिरानबे और चौदह, इसका इससे गुणा करेंगे ये जुड़ेगा, इकतीस तिया तिरानबे और चौदह, चार तीन सात नौ एक दस, एक सौ सात, एक सौ सात कितना आया, एक सौ सात। आंसर कैसे लिखेंगे, इकतीस बटे एक सौ सात, आंसर कैसे लिखेंगे, इकतीस बटे एक सौ सात। तो सतत भिन्न में इतना हमने जोड़ना सीख लिया, कितना सीख लिया, अगर यहां सब एक एक हो, क्या हो, एक एक हो, उसको जोड़ना सीख लिया, और अगर यहां पे पूंछ इसकी लगी है, यहां अगर दो हो, तीन हो, इस तरह एक के अलावा हो, तो उसको करना हमने सीख लिया। अब इसके आगे, इसके क्या करें, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे जब प्लस और माइनस दोनों चिन्ह, जब क्या हो, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह, अभी तक हमने क्या देखा था कि यहां सब प्लस 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 ही थे। अब क्या करेंगे, जब प्लस यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, जब माइनस और प्लस दोनों सिंबल हो तब क्या करेंगे, काम वही करें, सबसे नीचे वाली भिन्न लिखें, कितने डिब्बे बनाएंगे, कितनी लाइन खींचेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, यहां देखें चार के बाद माइनस है तो यहां लिखेंगे फोर माइनस, तीन के बाद प्लस है यहां लिखेंगे प्लस थ्री, एक के बाद माइनस है यहां लिखेंगे माइनस वन, यहां तक ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखें इसका इसका गुणा करते थे, तीन चौक बारह, इसको जोड़ते थे कब, जब यहां प्लस रहता था, अब यहां माइनस है तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो तीन चौक बारह, बारह में से दो घटाएं कितना बचा, दस, दस तिहाई तीस, यहां क्या है प्लस है तो ये जुड़ेगा, तो दस तिहाई तीस, तीस और तीन तैतीस, ठीक। अब इसका इसका गुणा कर, तैतीस इकन्ने तैतीस, यहां क्या है माइनस है, यहां माइनस है तो ये घटेगा तेईस, आंसर कैसे लिखेंगे, तैतीस बटे तेईस, तैतीस बटे तेईस। अगला देखें, एक बटे तीन माइनस एक बटे दो माइनस एक बटे पांच बटे सात, इस तरह कुछ हो, क्या करें, ये उलट जाएगा, क्योंकि यहां इसके पहले कुछ लिखा नहीं है तो ये क्या हो गया, उलट गया। उलटने का मतलब ये किस तरह लिखा जाएगा, सात बटे पांच। अब क्या करें, सबसे नीचे वाली भिन्न लिखें, सात पांच, क्या बताया आपको, कितने डिब्बे बनेंगे, दो, एक दो दो, इस दो के बाद में क्या है माइनस, यहां लिखेंगे माइनस दो, यहां क्या है तीन के बाद माइनस तो यहां लिखेंगे माइनस तीन, पांच दुनी दस, ये माइनस है तो ये घट जाएगा, पांच दुनी दस में से सात गया तीन, तीन तिया नौ, नौ में से पांच गया चार, आंसर क्या लिखेंगे, तीन बटे चार, पहला वाला बटे आखिरी वाला। तो यहां तक हमने करके सीख लिया। अब हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में ये जानेंगे कि अगर यहां भी एक ना हो करके कोई संख्या हो, यहां भी एक ना हो करके कोई संख्या हो, उसको हम कैसे जोड़ेंगे और उसको हम कैसे हल करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में हम देखेंगे इसको। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।